हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर की लेक्चर्स में हमने तीनों तरह की पोजीशन जो इंक्लाइंड सरफेस की पानी के अंदर रहती है, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, इन पे लगने वाले टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट किया था, उनके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कुछ एक नया तरीका यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम की मदद से भी हम जो प्लेन सरफेस जो पानी के अंदर पूरी तरह से सबमर्स्ड है, सॉरी पानी नहीं, किसी भी कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो उसका स्टैटिक मास होना चाहिए, उसमें पूरी सबमर्स्ड है, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो इंक्लाइंड हो, उनका हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? प्रेशर डायग्राम की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे हमने बात करी थी कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मींस प्रेशर वेरी करता है। अगर वर्टिकल प्लेट है, जैसे प्रेशर कहाँ वेरी करता है, अगर हम बात करें सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड की बात करें, तो प्रेशर ओनली डेप्थ के साथ वेरी करता है। ठीक है, प्रेशर वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ डेप्थ के साथ, हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं करता है। तो जो ये वेरिएशन है वर्टिकली प्रेशर का, उसको हम दिखाते हैं किसकी मदद से? प्रेशर डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो प्रेशर डायग्राम क्या है? प्रेशर डायग्राम कुछ नहीं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इंटेंसिटी का। ठीक है, किसी स्केल को मान के, अब जैसे हमारे पास 1000 न्यूटन है, तो ये तो है नहीं कि 1000 न्यूटन के लिए हम 1000 मीटर लंबी लाइन खींचेंगे। हम एक स्केल ले लेते हैं कि 1000 न्यूटन को मैं 1 मीटर की लाइन से दिखा देती हूँ। 1 मीटर मतलब 1000 न्यूटन। ठीक है, तो 2000 न्यूटन आएगा तो मैं उसको 2 मीटर की लाइन से दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम को प्लॉट करने के लिए हम एक कन्वीनियंट स्केल लेते हैं, जिसको हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एट वेरियस पॉइंट्स। सेकेंड थिंग थी, थर्ड थिंग, हमको पता है जो प्रेशर फोर्स लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड लगाता है किसी भी सरफेस पे, वो लगाता है परपेंडिकुलरली सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब भी हम किसी सरफेस के लिए प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जो प्रेशर इंटेंसिटीज की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? प्लेट के परपेंडिकुलर। तो तीन चीजें हैं प्रेशर डायग्राम को लेके। फर्स्ट, ये प्रेशर वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड, प्रेशर डायग्राम बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम एक कन्वीनियंट स्केल लेते हैं प्रेशर इंटेंसिटी की, वेरियस पॉइंट्स पे प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, उनकी कन्वीनियंट स्केल लेके हम ये प्लॉट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हमको पता है जो भी लिक्विड किसी सरफेस पर टोटल प्रेशर फोर्स लगाता है, वो सरफेस की परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लिक्विड जो टोटल प्रेशर फोर्स लगाता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए जब हम प्रेशर इंटेंसिटीज ड्रॉ करते हैं वेरियस पॉइंट पर, प्लॉट करते हैं, तो हम कैसे प्लॉट करते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? अब जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, हम इस फिगर में अगर देखें तो ये है हमारा फ्री लिक्विड सरफेस। इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस सबमर्स्ड, डूबी हुई है, रखी हुई है। कितनी हाइट पर? h1 हाइट पर। किस हाइट पर है? h1 हाइट पर है। h1 हाइट पर ये रखी हुई है। इस प्लेट की जितने भी पॉइंट हैं सब h1 हाइट पे होंगे, तो सब पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? रो g h
वन इक्वल प्रेशर फोर्स हो, इसलिए हमने ये लाइंस क्या दिखाई हुई है, ये लाइंस हमने इक्वल दिखाई हुई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो टोटल प्रेशर फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए हमने जो इन लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी दिखाई हुई है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। क्लियर, तीन चीजें थी, तीनों पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए। फर्स्ट, प्रेशर वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड, एक कन्वीनियंट स्केल हम लेते हैं इसको बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए। हमने कोई स्केल लिया है कि रोजी एच वन को हम इतने लेंथ की स्केल से बनाएंगे, क्योंकि सेम पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी सेम है, इसलिए हमने क्या किया, सेम लाइंस, ये लाइन भी इक्वल है, ये लाइन भी इक्वल है, ये लाइन भी इक्वल है, तो इक्वल लेंथ की लाइन से हमने इसको दिखाया। थर्ड पॉइंट, प्रेशर फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने देखा था कि फोर्स कैसा रहा था, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने इसको जो एरो है इसको हमने कैसे दिखाया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, दैट इज डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये थी हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात, हम बात करते हैं वर्टिकल सरफेस की। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल सरफेस है दिस, ये हमारी एक वर्टिकल सरफेस है, क्लियर, ये हमारी एक वर्टिकल सरफेस है। वर्टिकल सरफेस का टॉप एज जो है वो है फ्री सरफेस से एच वन हाइट पे, और जो बॉटम एज है वो है वर्टिकल सरफेस से एच टू हाइट पे, क्लियर। तो जो टॉप एज पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या है, पी वन इज इक्वल्स टू रो जी एच वन, तो वो है रो जी एच वन। और बॉटम की हम बात करें तो बॉटम पर क्या होगा, रो जी एच टू, ठीक है। चूंकि एच वन और एच टू अलग अलग हैं, फर्स्ट थिंग एच वन कम है एच टू से, क्योंकि एच वन ऊपर है एच टू और डीप में है, तो रो जी एच वन क्या होगा, कम होगा, रो जी एच टू क्या होगा, ज़्यादा अप। और अगर इस वर्टिकल प्लेट की केस में बात करें तो रो जी एच वन इस वाले पॉइंट पे देखते हैं आप प्रेशर, तो एच वन से कुछ ज़्यादा हाइट है इसकी, तो इस पर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा रो जी एच वन से ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रो जी एच वन को हमने अगर इतनी लाइन से दिखाया है तो ये थोड़ी सी लाइन क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। माना इसको हम एक मीटर से दिखाते हैं, ठीक है, तो ये कितना मीटर से हो गई, 1.1 मीटर से। ये हमने एक स्केल ले लिया, माना जैसे कि ये हमारा आया है 1000, रो जी एच वन कैलकुलेट करने पर आया 1000 न्यूटन, ठीक है, सॉरी रो जी एच वन प्रेशर इंटेंसिटी होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, याद है 1000, ठीक है। और तो ये 1000 न्यूटन है एक, और ये आता है हमारा 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने 1000 न्यूटन को हमने एक माना है, तो 1000 इसको हम कितना मानेंगे, 1100 को 1.1, 1100 कितना हो जाएगा, 1.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। माना ये 1200 आया है, कैलकुलेट करने पर इस पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी आई हमारी 1200, तो ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी इस लाइन की, 1.2। तो इस तरीके से हम एक कन्वीनियंट स्केल देते हैं, तो ये 1, ये 1.1, ये 1.2, इसी तरीके से नीचे लेंथ बढ़ती जाएगी इसकी, ये जो लाइन बना रहे हैं हम एरो की, ये लाइन नीचे जाएगी तो बढ़ती जाएगी। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी लाइन किसकी होगी, रोजी एच क्यू की, क्योंकि हमें प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लाइन बढ़ी। सेकेंड थिंग, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो सब पर क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से कहा, तो जो प्रेशर डायग्राम बनाया, दिस और दिस, ये जो प्रेशर डायग्राम, ये जो बना है, ये है प्रेशर डायग्राम फॉर वर्टिकल सरफेस, क्लियर। अब आते हैं इंक्लाइंड पे, इंक्लाइंड प्लेट है दिस वन, इसका ये वाला एज जिसकी हाइट है एच वन, और ये वाला एज है जिसकी हाइट है एच टू, ठीक है। प्लेट के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा
इस पेज पे कितनी होगी प्रेशर इंटेंसिटी रो जी एच वन, ध्यान रखना रो जी एच जो यहाँ पर एच आएगी वो कौन सी आएगी, वर्टिकली एच आएगी, ध्यान रखना इंक्लाइंड एच नहीं आएगा, रो जी एच, एच हमेशा क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल एच हमको बी वन है एच वन, तो ये क्या हो जाएगा रो जी एच वन, और ऐसे ही बॉटम एच ही क्या हो जाएगी रो जी एच टू। डिस्टेंस अलग अलग है, डेप्थ अलग अलग है, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ अलग प्रेशर इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे कुछ अलग प्रेशर इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे कुछ अलग प्रेशर इंटेंसिटी होगी, लेकिन जो इस पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो इस वाले से ज़्यादा होगी। सेम हियर कि इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो इस वाले से ज़्यादा होगी, ऐसे ही इस वाले पे इससे ज़्यादा और इस वाले पे इससे ज़्यादा, इस तरीके से बॉटम में जाता है तो बढ़ती जाएगी, तो जो हमारा प्रेशर डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये लाइन छोटी फिर ये लाइन बड़ी फिर ये लाइन बड़ी फिर ये लाइन बड़ी ये लाइन बड़ी, ठीक है। और जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, प्लेट के परपेंडिकुलर, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो तीनों तरह के प्रेशर डायग्राम हमने देख लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर, अब हम ये देखते हैं कि प्रेशर डायग्राम से हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस कंसिडर किया, ये रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस एक हमने कंसिडर किया जिसकी विड्थ एल है और डेप्थ है बी। ये विड्थ कौन सी है, ये विड्थ तो इसकी है एल, पूरी इसकी विड्थ यहाँ तक की इसकी विड्थ है एल, ठीक है, और डेप्थ है इसकी बी, क्लियर। वर्टिकली रखी हुई है, डेंसिटी लिक्विड की है रो, जिस भी लिक्विड में ये रखी हुई है वो है रो। एच वन है टॉप एज की डिस्टेंस फ्री सरफेस से, और एच टू है बॉटम एज की डिस्टेंस फ्री सरफेस से। तो टॉप एज पर प्रेशर इंटेंसिटी होगी रो जी एच वन, और इस पर प्रेशर इंटेंसिटी होगी रो जी एच टू, क्लियर। अलग अलग पॉइंट पे कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली। लीनियरली कैसे, देखिए प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है रो जी एच, एच के साथ वेरी कर रही है, यहाँ पर एच की कितनी पावर है, सिंगल पावर है वन, तो किस तरह से वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, ठीक है। लीनियरली वेरी कर रही है मतलब एक लाइन बनेगी, यही हो रहा है, हो भी यही रहा है, यहाँ पर था रोजी एच वन और यहाँ पर था रोजी एच टू, तो ये लाइन ही बन रही थी, इस तरह से लाइन बन रही थी, ठीक है। सिंस द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज लीनियरली विद द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड द प्रेशर डायग्राम मे बी ड्रॉन एज शॉन इन फिगर, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस थी, इसका टॉप एज जो है एच वन हाइट पे था और बॉटम एज था एच टू हाइट पे, इसकी विड्थ एल दे रखी है हमको और डेप्थ हमको दे रखी थी बी, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी आई रो जी एच वन और यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी आई रो जी एच टू, एच के साथ में वेरी करी थी लीनियरली, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपना इस तरह का प्रेशर डायग्राम बनता है। अब हम बात करेंगे एक बार, तो ये तो था इसका एक फेस जो हम देख पा रहे हैं, ये कुछ चौड़ा भी है जो रेक्टेंगल सरफेस है, उसका कुछ पार्ट जो है वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलरली भी है, तो ये क्या बन जाएगा कुछ, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें, अगर इमेजिन करें, तो ये तो चीज़ जो हमको दिख रही है, ये जो चीज़ है ये वाली जो चीज़ हमको दिख रही है वो तो हो गया इसका ये वाला, वो हो गया इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला फेस, ठीक है। और अगर मैं इसको इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, इसकी विड्थ ये है एल, विड्थ हमको क्या दे रखी है एल, जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, तो एल अगर विड्थ की मैं बात करूँ, ये तो हो गई इसकी डेप्थ बी, एल विड्थ की मैं बात करूँ तो ये हो गया एल परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक तरह से, ये बन गया एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया सबको, ये थी हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट,
ठीक है, ये थी हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट बी डेप्थ की और एल विड्थ की। विड्थ है जो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, तो जब अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये प्रेशर डायग्राम तो ये इस फेस का बना, ओनली ओनली इस वाले फेस का बना जो हमको दिख पा रहा है। आगे जो विड्थ है, आगे जो विड्थ है भाई, लाइन थोड़े ना है, ये पूरा एक एरिया है प्लेन का। ठीक है, लाइन होती तो सिर्फ यही था, बट ये पूरा क्या है, एरिया है जो कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आगे एल लेंथ तक बढ़ा हुआ है, एल डेप्थ तक है। ठीक है, एल विड्थ तक है। तो अगर इसको मैं एल विड्थ तक देखूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तेरे से ट्रेपेज़ॉइडल बन जाएगा। अब हम ये बोलते हैं कि जो इस ये जो शेप बनी थी, इसका जो वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम किसको बताता है, टोटल प्रेशर फोर्स को बताता है। ध्यान से सुनना, प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम टोटल प्रेशर फोर्स को बताता है। क्लियर? तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इस ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन का वॉल्यूम, ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन का वॉल्यूम, ट्रेपेज़ॉइडल का एक जो ट्रेपेज़ॉइडल का वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया इनटू लेंथ कर देंगे, एरिया इनटू वेट हो जाएगी। उसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, समांतर भुजाओं का योग इंटू एक बटा दो इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो ये है बी बी डैश और सी सी डैश। बी बी डैश कितनी हो गई, रोजी एच वन, और सी सी डैश क्या हो गई, रोजी एच टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक बटा दो इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हुआ इस वाले सर्फेस का एरिया, इस वाले फेस का, इंटू एल, एल से कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम। उसको हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर फोर्स आया है वो आया है इस तरीके से, रो जी एच प्लस एच टू डिवाइड बाई टू इंटू बी इंटू एल। तो प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम, जो प्रिज्म बनता है प्रेशर डायग्राम से, उसका वॉल्यूम किसको दिखाता है, किसी सरफेस पर लगने वाले टोटल प्रेशर फोर्स। अगर वो बोले कि आपको एक फेस पे ज्ञात करना है, एक फेस पे फाइंड करना है, ठीक है, अगर वो आपको बोलता है कि हमको एक फेस पे फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हम सीधे एरिया ले लेंगे, उसका एरिया हमको बता देंगे टोटल प्रेशर फोर्स क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने पे। अब हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, जो ये सेक्शन हमारा बना है, जो हमारा प्रिज्म बना है, उसका सेंट्रोइड। वॉल्यूम तो बताता है टोटल प्रेशर फोर्स, सेंट्रोइड बताता है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास प्रिज्म क्या बना है, ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन। हमने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी शेप्स की और उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो उसमें हमने ट्रेपेज़ॉइडल का सेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका उसका होता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसका उसका होता है टू इंटू छोटी भुजा, टू इंटू छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा डिवाइडेड बाय छोटी प्लस बड़ी भुजा इंटू लेंथ, सॉरी उसकी जो डेप्थ है, डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, तो ये तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रेपेज़ॉइड का। इसका फ्री सरफेस से हाइट देखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट, तो वो कितनी हो जाएगी, एच वन, एच वन तो ये हाइट है ही है, और इससे हम इसकी हाइट निकाल रहे हैं छोटी वाली भुजा से, सेंट्रल ग्रेविटी की हाइट। जो इस फॉर्मूले से हाइट आएगी वो कैसी आएगी,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट आएगी और उसमें हम क्या कर देंगे एच वन ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एच बार क्या हो जाएगा अपने केस एच वन, एच वन प्लस ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, ठीक है, रो जी एच टू रो जी एच वन रो जी एच टू रो जी एच वन इंटू बी अपॉन थ्री। क्लियर, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेना, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेना कैसे होता है। ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, एक बार फिर से याद करके इसमें देखना कि अपन ने क्या निकाला है। ठीक है, पहले हमने निकाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी की छोटी वाली भुजा से कितनी हाइट है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, जो टेबल हमने डिस्कस करी थी कुछ लास्ट लेक्चर्स में, उसमें जो एच हम निकालते हैं वो निकालते हैं बड़ी भुजा के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ध्यान से एक बार वो खोलकर इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखना कि एच बार कैसे कैलकुलेट किया। तो ध्यान रखना कि जो प्रेशर डायग्राम बना है, प्रेशर डायग्राम का जो वॉल्यूम है वो बताता है टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस, और जो सेंट्रोइड की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट है वो बताती है उसकी सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस।